हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आप सबके लिए फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी है, और आज की स्टोरी मैं कोलकाता से लेके आ रहा हूँ। राहुल है हमारे साथ। राहुल बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करते हैं, और इनका सीएमए कैंपस में सीटको में सिलेक्शन हुआ था, एंड ऑफ कैंपस में एसेंचर में सिलेक्शन हुआ, और फाइनली इन्होंने एसेंचर को ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली। अभी ये बैंगलोर से हमें कनेक्ट किए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाय राहुल, कैसे हो आप? हाँ सर, सही है। आप कैसे सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। और फाइनली तुम बैंगलोर पहुँच चुके हो फर्स्ट टाइम, और कोलकाता से सर बैंगलोर की जर्नी, और अभी आपने एसेंचर ज्वाइन कर लिया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा। फील पहला बार अपना सिटी से बाहर गए, अपना नए नए लोगों से एक्सप्लोर करना मिल रहा। अच्छा, एक टाइम था जब तुम थोड़े से नर्वस, थोड़े से सैड थे कि सर मेरी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई, या फिर मेरा इंटरव्यू मैंने दिया, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, और अचानक से आपके पास दो ऑफर लेटर एक साथ दो बड़ी कंपनी से मिले, तो लाइक वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? तो पहले दिन तो जैसे मेरा हर दिन का शॉर्टलिस्ट हुआ था। फर्स्ट डे आपका डाउ केमिकल्स में हुआ था, सेकेंड डे फोर्ट्स में, कल्पतरु में, मल्टीपल जगह में सिलेक्शन हुआ था, पर किसी जगह में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो लास्ट में जब सिटको का ये आया, जब शॉर्टलिस्ट हुए तो आपसे कनेक्ट किए कि शॉर्टलिस्ट हुए, तो आप सब गाइडेंस बताए और सब नोट्स दिए, जिससे बहुत हेल्पफुल हुआ। और मेरा सिटको में 50 मिनट्स का इंटरव्यू चला था, 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था, तो जिसमें हाफ एन आवर मेरा से सब कुछ पूछा था। और जैसे आप बताए थे कि इंटरव्यूअर से कुछ क्वेश्चन पूछना, तो हम जैसे पूछे थे इंटरव्यूअर को, वो आंसर देने में 20 मिनट्स लग गया था जो हम क्वेश्चन पूछे थे। तो लास्ट में मेरा ऑन टेबल वो लोग सिलेक्ट कर दिए थे कि आप सिलेक्ट हो, जस्ट मतलब कंफर्म कर रहे थे कि हम अपना स्टेट से बाहर जाएंगे कि नहीं। तो चलो अच्छी बात ये है। हुआ। हाँ सर, तो फिर जिस दिन सिलेक्ट हुए सिटको में, उसी दिन मेरे को एसेंचर से कॉल आया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। और जब आपको फोन किए थे कि सिटको मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आप एक ही दिए थे कि अपना माइंड को डाइवर्ट मत करो और एसेंचर का इंटरव्यू में बैठना। तो वो मोमेंट ऐसा था सर, बैठने का मन नहीं था एसेंचर में, क्योंकि एक कंपनी में हो गया बहुत अच्छा लग रहा था। तो लेकिन एसेंचर में ऐसा इंटरव्यू था कि हम मतलब फ्री ऑफ माइंड गए थे, क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड था कि मेरे पास एक ऑफर आ गया। तो उधर भी करेक्ट। मेरा हाफ एन आवर था इंटरव्यू, और वहां भी ऑन द स्पॉट उनको सिलेक्ट कर लिया था। ओके ग्रेट। तो आपको मेरी मेंटरशिप कैसी लगी थ्रू आउट आपकी सीएमए जर्नी, जो हम कनेक्ट थे लास्ट 2 3 4 मंथ्स से? तो बहुत अच्छा लगा, आपने डेली वो जीडी का प्रैक्टिस कराया, जिसका थ्रू से वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो था वो इम्प्रूव हुआ, और जिसका बेनिफिट अभी मिल रहा है, क्योंकि बैंगलोर में सब इंग्लिश में बात करते हैं। या ये तो तो है। इजी हम ये जो प्रैक्टिस करने से क्या हो गया, हम कम्युनिकेशन स्मूथ हो गया और इजीली हम कनेक्ट कर पा रहे सबको। तो वो और तो अच्छा था। डेली आपका सेशन करते थे, और आपका वो बुक्स था, जो नोट्स था, वो जो शॉर्ट में आप देते थे, वो बहुत हेल्पफुल होता था। और एक बेनिफिट हुआ कि आपका थ्रू से बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग बना, सब नए नए दोस्त बने, या तो नाइन ये तो नाइन्टी बहुत प्लस बढ़िया। स्टूडेंट अपने पास ग्रुप में थे, और अभी 95 96 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया है, आपने ग्रुप में देखा सर ऑलरेडी। तो लाइक कैसा, हाँ सर, मतलब ये भी एक अच्छा फील हो रहा होगा कि आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हो जहाँ पे सारे बच्चों कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज में सिलेक्ट हो चुके हैं। सर अच्छा, इसके अलावा लाइक आप मेरे से कनेक्टेड रहते थे, वो आपको कैसा एक फील देता था? बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे स्टक हो जाते हैं और उनके साथ कोई होता नहीं है, तो जैसे मैं आपको गाइडेंस करता था कि हाँ इस पॉइंट पे आपको ये करना है, इस पॉइंट पे ये करना है, वो कैसे किसी स्टूडेंट को एक हेल्प और सपोर्ट करती है ये चीजें? हाँ सर, वो ज़्यादा सपोर्ट, जब मेरा कल्पतरु में सिलेक्ट नहीं हुए थे तब आपको कॉल किए थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि हम कभी स्टेट का बाहर नहीं गए, इस वजह से वो लोग मेरा रिजेक्ट कर दिया गया था, या कुछ और पर्सनल रीज़न था। तो आपने वो समझाया था कि डिमोटिवेट मत हो, अपना आगे का फोकस करो। और हम लोग को उस समय पता चल गया सिटको आने वाली है, तो आपने नेक्स्ट डे ही सब नोट्स हमको दे दिए थे कि क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आखिर में वही उसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछा गया, जिसका वजह से वो लोग को इंटरेस्ट मेरे ऊपर ज्यादा आया और मेरा इंटरव्यू इतना देरी तक चला। तो ये बहुत ये होता है कि उस टफ समय में भी आप बहुत हेल्पफुल थे। और कितना जन होता है कि चलो कैंपस हो गया नहीं हुआ, इसका ये अपना मैटर, मेरा तो कैंपस तक ही था,
उसके बाद, पर वो आपने कि आप जब नहीं, वो आप बहुत हेल्पफुल हेल्प किए, तो ये ज्यादा ये था उसमें। ओके थैंक्स। अच्छा बात करते हैं आपके लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे के बारे में, जिस दिन आपका सीएमए का रिजल्ट आया और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड दिखा बड़े अक्षरों में, और एक खुशी होती है क्योंकि हम पिछले 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहे होते हैं उस चीज़ के लिए। तो आपको कैसा लग रहा था लाइक उस टाइम जब आपको पता चलता है, और आपने रिजल्ट खुद से देखा या किसी फैमिली मेंबर फ्रेंड से आपने अपने रिजल्ट दिखवाए? नहीं, हम खुद देखे, बहुत अच्छा लगा। और इस टाइम मेरा सिर्फ एक पेपर था, तो क्योंकि मेरा जून 2023 में ग्रुप 4 दिए थे, जिसमें 3 पेपर में एग्जम्पशन आ गया था, खाली CFR इस बार दिए थे हम, तो ओके एक ही पेपर था, तब भी डर लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन CFR में अच्छा आया, 81 आया था मार्क्स। ओके ग्रेट ग्रेट। सो आपने लाइक कितने सारे आपने अटेम्प्ट्स दिए अपने सीएमए जर्नी में? जस्ट हम फाउंडेशन जब ज्वाइन किए, फाउंडेशन इंटरमीडिएट सब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, फाइनल में हम फर्स्ट अटेम्प्ट अपना जून 2022 में देते ऑनलाइन मोड में, तो ओके उसमें मेरा हुआ नहीं था, मतलब मेरा टोटल आ गया था पर वो मतलब एग्रीगेट नहीं, शॉट कर मतलब गया सब था। में ग्रेट शॉट हो गया था। फिर हम ग्रुप 3 दिसंबर 2023 में दिए थे, 2022 में दिए थे, तो वो क्लियर हो गया था। और ग्रुप 4 मेरा 2 बार ये हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम में आपने बोथ ग्रुप दिया था राइट, और फिर आपने सिंगल सिंगल हाँ, ग्रुप दिया। सिंगल ओके सिंगल तो ग्रुप दिए थे, तो मेरा मतलब ग्रुप 3 सेकेंड अटेम्प्ट में निकला, ग्रुप 4 थर्ड अटेम्प्ट में निकला। ओके मतलब इतने लाइक सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट लगने के बावजूद भी आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग थी सीएमए कैंपस में। हाँ, बहुत बहुत सारा शॉर्टलिस्ट थी। ओके ग्रेट। और फाइनली आपको ऑफर दो, आपने ऑफर भी सिक्योर किए। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी लाइक इंटर्नशिप भी आपने किया होगा राइट, तो आप इंटर्नशिप कितना इंपॉर्टेंट है सीएमए जर्नी में किसी स्टूडेंट के लिए? तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कंपनी इंट्रोडक्शन पूछती तो वो अपना एक्सपीरियंस भी पूछती कि आप इंटर्नशिप में क्या किए, तो अगर आप वो वाला अगर सीरियसली नहीं करेंगे तो वो आप उसको कन्वे नहीं करेंगे कि हाँ एक्चुअल में आप किए, और वो बहुत मैटर करता है कि वो राइट लोग चेक करते कि सच में ये करके आया कि नहीं, उसको नॉलेज है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये वाला चीज आप भी बोलते थे कि हमेशा अपना इंटर्नशिप, क्योंकि हम लोग बहुत पहले किए तो वो शायद कुछ कुछ रिकॉल नहीं होता था कि, और आप अच्छा सर जो दो इंटरव्यू लेते थे, मॉक हाँ इंटरव्यू, बहुत हेल्पफुल था कि एक रियलिटी पता चला कहाँ कहाँ गलती हुआ है, या ये तो तो है, ये बहुत। इसलिए वो सारी चीजें मैंने कोर्स इसी टाइप से डिजाइन किया है कि आपके हर एक पार्ट को जो है, हर एक जो दुखती नब्स है ना उसको मैं पकड़ सकूँ आपकी, और आपको सही बता सकूँ कि हाँ यार आपको यहाँ नहीं, यहाँ आपको काम करना है, तो आप सही तरीके से हाँ काम सर, करो और आपको रिजल्ट मिले। अच्छा लाइक आपने जैसे बताया आपके अटेम्प्ट्स भी लगे, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये ख्याल आपको रहा होगा स्टार्टिंग फेज में कि कैंपस में मेरी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ थॉट्स थे अटेम्प्ट लगने के बावजूद? हाँ सर, अटेम्प्ट लगने के बाद थॉट्स तो थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग को ज्यादा मिलता है, और या जब मल्टीपल अटेम्प्ट होता है तो कैंपस में चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम जब इस बार देखे कि अगर आपका थर्ड अटेम्प्ट तक भी लगा हुआ है तो आपका चांसेस है उसमें कैंपस में होने कैंपस का। में। ओके अच्छा आपको लाइक मेरे बारे में आपको कैसे पता चला, आप मुझे पहले से जानते थे या फिर आपने रिसेंटली मेरी कुछ वीडियोस देखी? आपके कुछ वीडियोस देखे जो जो हमारा प्रीवियस बैच थे आपके जून 2023 के, उसमें हमने वो आपका सक्सेस स्टोरी देखा था, उसी के थ्रू से कनेक्ट हुए थे, कि ओके ओके मतलब होता है ना कि एक ही एज ग्रुप में तो आप हम लोग को ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, तो और आपका क्या रिव्यू तो बहुत बढ़िया था सर। अच्छा जो रिव्यू जैसा था और रियलिटी कैसी लगी आपको रिव्यू कंपैरिजन में? ये रियलिटी और उससे भी अच्छा लगा। ओके ग्रेट। अच्छा आप लाइक जो आपके अटेम्प्ट्स लगे और फिर आपने पास भी किया, तो आखिर क्या मिस्टेक्स होते हैं जनरली जो बच्चे कर जाते हैं कि हाँ यार ये सारी एरियाज है जहाँ पे मिस्टेक्स अगर हम ना करें तो हम वन अटेम्प्ट में भी एग्जाम हमने क्रैक कर सकते हैं, लाइक जैसे आपने इंटरमीडिएट में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया, फाइनल में थोड़े से चैलेंजेज आपको हुए, तो क्या रीजंस रहे इसके? जून 22 का जो मेन रीजन था ऑनलाइन मोड, कि हम तो सब पढ़ के गए थे लेकिन हम कभी कंप्यूटर में वो वाला प्रैक्टिस नहीं किए थे, हम बोले चलो हो जाएगा, पर आखिर में वो चीज होता नहीं अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए। और जो पेन पेपर जो ऑफलाइन मोड में था, ये तो हम लोग प्रीवियसली पेन पेपर में लिखते तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस रहे, पर कभी ऑनलाइन मोड में दिए नहीं थे, तो वो एक हर्डल्स था उस समय का।
फिर दिसंबर 22 में निकला, जून 23 में क्या हुआ था, सीएफए का पेपर बहुत लेंदी आ गया था और वो टेंशन हो गया था। तो वो एक था कि अगर एग्जाम कुछ हटकर आ गया तो उस समय अगर पैनिक हो गया तो पूरा चीज चला जाएगा, और जाएगा। ठीक से वो सीएफआर का पेपर हम एनालाइज नहीं कर पाए कि पास्ट ईयर कौन सा मतलब पोर्शन से ज्यादा आता है। तो वो चीज हम इम्प्रूव किया अपना नेक्स्ट एग्जाम में, जिसका वजह से ये रिजल्ट हुआ। ओके। तो अच्छा, ये हमें मेन चीज है कि हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए और एरियाज देखना चाहिए कि कौन से एरिया से ज्यादा आते हैं, ओके। उसको ज्यादा फोकस करना, क्योंकि सिलेबस तो काफी वास्ट है फाइनल का, तो वो चीज हमको देखना चाहिए। ओके। अच्छा, जैसे जो बच्चे सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं, आपने सिंगल ग्रुप भी दिया, आपने बोथ ग्रुप भी दिया, तो कितने घंटे उन्हें पढ़ना चाहिए कम से कम, अगर वो सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं या फिर बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं? सर अगर सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आपका 8 आवर्स ये है, ठीक है। अगर बोथ है तो आपको वो आवर्स बढ़ाना पड़ेगा 12-13, क्योंकि क्योंकि आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम आपको वो रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं, ये तो है। तो वो नोट्स उस समय बहुत मैटर करता है अगर बोथ ग्रुप है तो। क्योंकि जब हम दिए थे पहला बार तो हमको लगा कि जैसे एग्जाम दे के आए वैसे ही अब नेक्स्ट डे का एग्जाम का प्रेशर आ गया था, और एग्जाम भी अच्छा जा रहा नहीं था क्योंकि ऑनलाइन मोड था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन पेपर हाथ में भी नहीं था। तो ये एक था कि चलो उस समय नोट्स था तो एक भरोसा आया, चलो बैठ के देखे क्या होगा। तो नोट्स ओके, बहुत मैटर करता है ये बोथ ग्रुप्स में। ग्रेट ग्रेट। तो जब आपकी फैमिली को, आपके मम्मी पापा को मालूम चला कि आप सीएमए बन चुके हो एंड फिर अभी आपकी जॉब भी लग चुकी है, दो दो ऑफर है मेरे बेटे के पास, तो उनकी फीलिंग कैसी थी? फीलिंग्स तो बहुत अच्छी थी, तब भी एक मन में था कि चले दूर जा रहा अब हम लोग से, तो ये वो था, लेकिन बहुत अच्छे थे। पापा भी आए थे जस्ट बैंगलोर में हम लोग, तो पापा भी सब देखे, तो उन लोग को जब वो पहला बार ऑफिस देखे एसेंचर का तो बहुत खुश हुए कि बोले कि लगता है कि ये इंग्लैंड का फीलिंग आ रहा है। तो अच्छा, बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा कंपनी में काम कर रहा है, तो एक अलग तो लेवल का खुशी था। आपके मम्मी पापा मेरे बारे में कभी कुछ बोले आपसे, लाइक आपने बताया जरूर होगा। हाँ, वो तो मम्मी पापा जानते हैं, आज सर का साथ है ओके। तो अच्छा, आपको सर आप घर में तो सब कुछ पता है। हाँ सर, अच्छा, आप ऑलरेडी लाइक काफी सारे बच्चों से कनेक्टेड थे बैंगलोर वाले, जो लाइक आकिब सलीम से भी आप कनेक्टेड थे, तो शायद आप मिले भी होंगे उनसे, तो हाँ, कैसे? जश मिले भी है। अच्छा, तो सर काफी सारे लोग हैं बैंगलोर में जो अपने ग्रुप के हैं और जिनका बैंगलोर लोकेशन में हुआ है, आप सर कनेक्ट कर वो तो सकते हैं सर उनसे। आपका बजरे तुवा सर, आपका इतना नेटवर्किंग इतना जन है सर, तो आराम से कहीं भी कोई भी इंडिया में जाएंगे, कहीं भी स्टेट में जाएंगे, मिल ही जाएगा कोई ना कोई। या ये तो सही बोल रहे हो, अभी इतना हो गया है कि हर एक स्टेट में लगभग अपने स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इवन लास्ट टाइम में एक स्टूडेंट हैदराबाद, उसका सिलेक्शन हुआ था, तो लाइक उसके स्टेशन भी पिक करने गया था एक स्टूडेंट, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी करते हैं इस कम्युनिटी में, ये सबसे अच्छी बात है। फिर आपके पास सर एसेंचर से जैसे आपको कॉल आया, तो लाइक आपको किस तरीके से एसेंचर से आपको कॉल आए थे? तो सर जैसे हम अपना naukri.com का वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किए थे, जैसे आप अपना क्लासेस में बता दे कैसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और आप प्रॉम्प्ट दे देते दे थे जिसका थ्रू से वो इजीली हो जाता था, और उसी का थ्रू से मेरे को कॉल आया एसेंचर से, और यही हुआ सर। ओके, ग्रेट। एंड देन आपका सेंचर में भी आपने इंटरव्यू क्रैक किया और आपका सिलेक्शन हो गया और फाइनली आप बैंगलोर हो, तो अभी आपकी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपने कंपनी भी ज्वाइन कर लिया है, आई थिंक आप पीजी में भी शिफ्ट हो चुके हो, तो वो सारी जर्नी हाँ जो सर, आपने एक सीएमए ड्रीम देखा था जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, क्या आपको लग रहा है कि आज वो फुलफिल हुई है? हाँ सर, वो तो फुलफिल हुई है, क्योंकि चलो पैकेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो है। और जब अटेम्प्ट्स के बाद इतना सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा कंपनी में लगेगा और ऐसा पैकेज भी मिलेगा, तो एक तो ये था कि आउट ऑफ द बॉक्स मिला कुछ, और प्रोफाइल ही बहुत बढ़िया मिला है। या डेफिनेटली वीडियो में इन शॉर्ट में बता दूँ, कैंपस में आप सबको पता है कैंपस के ऑफर डिस्क्लोज ऑफिशियली सेम इंस्टीट्यूट के साइट पे होते हैं, तो सीटको से जो ऑफर था आई थिंक 7.5
आई थिंक 8K अप्रॉक्स का ऑफर सीट को ऑफर करती है सीएमए कैंपस में। ऑफ कैंपस के ऑफर कॉन्फिडेंशियल होते हैं, हम एग्जैक्ट पैकेज डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट हाँ आप अप्रोक्सीमेट मैं आपको बताऊँ 10 to 12 लाख के बीच का ऑफर ऑफ कैंपस में भी सिक्योर किया है विथ मल्टीपल अटेम्प्ट्स। और आप देख रहे हो सेंचर में जॉब लगी है, तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। कैंपस में भी अटेम्प्ट्स वाले को जॉब मिलती है, ऑफ कैंपस में मिलती है, सब्जेक्ट टू आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने एरियाज पे काम करना पड़ेगा, अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आप भी राहुल जैसे ड्रीम को देख भी सकते हो और उसको फुलफिल भी कर सकते हो। क्या राहुल, सही बोल रहा हूँ यस, आप है तो कोई डर नहीं है, मैं? ओके आप तो लगा ही दे, हो ही जाएगा। आपका जैसा प्रोग्राम रहता है तो ऐसे भी तो सर कोलकाता में 50% का वह भी आपका स्टूडेंट था, जहां भी चलो रोहन सर, रोहन सर ही थे। तो अच्छा, मुझे मुझे पता नहीं। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक मेरे बारे में बच्चे कैसा सोचते हैं। सब कोई पॉजिटिव बोलते हैं कि रोहन सर बहुत अच्छा सब कुछ, नोट्स आपका जो नोट्स है तो वो बहुत बेहतरीन रहता है, कि मतलब जो शॉर्ट एंड क्रिस्प में, क्योंकि हम लोग सर वो इंटरमीडिएट का थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं जो भी है कॉस्टिंग व जो भी है, तो वो आपका नोट्स पढ़ के वो चीज़ रिकॉल हो जाता है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है उस समय। और अगर इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछा जाता तो आराम से दे सकते हैं ओके ये। ग्रेट। कुछ और आप और? एक ऑनलाइन पेज भी इस पर लॉन्च किए थे, राइट राइट राइट। हाँ वो कैसा रहा है तो वही बोल सिस्टम रहे। टेस्ट? हाँ, तो वो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि इस बार कैंपस में सब कंपनियां टेस्ट ली थी, पहले टेस्ट उसके बाद शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो वो एक था कि प्रैक्टिस है, चलो ये वाला किए हैं तो इसमें हो जाएगा, और आखिर में हो गया था। तो इसका मतलब जो मेरा कोर्स कैरिकुलम है वो बिल्कुल परफेक्ट है सीएमए कैंपस के अकॉर्डिंग। सर चलो अच्छी बात है, एंड थैंक्स। फ्यूचर में भी कनेक्टेड रहना, जहाँ भी कभी लगता है डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, ऐसा मत सोचना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। कुछ कहना चाहते हो स्टूडेंट्स को, कुछ गाइड, कुछ सजेशन सजेशंस? यही है कि अपना अपना बिलीव रखना चाहिए, कि अगर मेरा पास अगर एक मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी हो गया तो उसको लग जाएगा अच्छा जगह जॉब, क्योंकि इस बार हम लोग का भी बैच में बहुत सारा मल्टीपल अटेम्प्ट्स था, और जैसे सर बोले कि लगभग सबका ऑलमोस्ट लग चुका कहीं ना कहीं, तो ये सोचना नहीं चाहिए कि चलो अब मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गया सीएमए ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जब रियलाइज होता है जब इधर आए तो यहाँ सीएमए का बहुत वैल्यू है, हालांकि जब हम लोग इंजीनियर से मिलते हैं, आईटी कंपनी है, तो जो पैकेज हम लोग को मिलता है वो लोग 3 साल 4 साल काम करने के बाद वो पैकेज में आ रहा है, तो वो लोग पूछता है कि ये डिग्री क्या है, और ये ऐसा डिग्री है सर एक बार कोई सुनने से वो डेफिनेटली करता है। या करेक्ट। तो ये इतना इस डिग्री में इतना पावर है कि अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लग गया, थोड़ा टाइम लगेगा जॉब मिलने में, पर मिल तो जाएगा ही, ऐसा है यस इसका। तो अच्छी बात है। तो आप स्टूडेंट्स को सीएमए कोर्स यही, के लिए सजेस्ट करोगे? हाँ सर, उसी का डेफिनेटली बदला आज इधर बैठे हुए हैं। या डेफिनेटली। लाइफ में एक हाँ चीज करना जरूर, मैं बिकॉज थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है लोगों में, तो ट्राई करना। कोई भी तुमसे अगर सीएमए कोर्स के बारे में पूछता है तो उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन करो, बताओ, समझाओ कि वो भी इस कोर्स को करे और अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव करे जैसे आपने किया है। ओके सर, राहुल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।